नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने विजयपुर विधानसभा और बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए 15 अक्टूबर 2024 को तारीख की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही श्योपुर और सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जहाँ आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आयोग ने शिवपुर के विजयपुर विधानसभा और सीहोर की बुधनी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कल 15 अक्टूबर 2024 को कर दी। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि शिवपुर और सीहोर जिले में, पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ईसीआई के निर्देश हैं कि जब कोई उपचुनाव होता है और अगर जिले में नगर निगम है तो केवल जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है उसी में आचरण संहिता लगती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों जिले ऐसे हैं जिनमें नगर निगम नहीं है तो पूरे जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। हम लोग कटिबद्ध हैं कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। उपचुनाव का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है, 18 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे, इसी दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। जो संवीक्षा है, जो स्क्रूटनी है, वो 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 13 नवंबर है और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। इन दोनों विधानसभाओं में मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या इस प्रकार है, विजयपुर विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है और बुधनी विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। मतदाताओं की संख्या में विजयपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,647 है, इसमें महिला मतदाता 1,21,091 हैं और पुरुष मतदाता 1,33,554 हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 2 है और सर्विस मतदाताओं की संख्या 103 है। इसी तरह बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है, ये मतदाताओं की संख्या वो है जो वर्तमान में है और इसकी संख्या है वो 2,76,397 है। इसमें महिला मतदाता 1,33,280 हैं और पुरुष मतदाता 1,43,111 हैं। थर्ड जेंडर के 6 मतदाता हैं और सर्विस मतदाताओं की संख्या 194 है। यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे 15 तारीख तक आवेदन ऐसे पेंडिंग हैं तो उनका हम निराकरण करेंगे और आयोग के निर्देश होते हैं कि जो लास्ट दिन होता है नाम निर्देशन लेने का, तब तक हम उसको रोल को फाइनल कर देंगे। कंप्लेंट्स अगर कोई आती हैं तो सी विजिल जो जनरल इलेक्शंस में ऐप चालू रहती है वो चालू रहेगी और वोटर हेल्पलाइन भी मतदाताओं की जानकारी के लिए चालू रहेगी। कोई भी मतदाता है वोटर हेल्पलाइन पे से अपनी जानकारी ले सकता है। मैं फिर से एक बार पुनः बताना चाहूँगा आपको कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारी चर्चा लगातार जिले से हो रही है और जो पर्सनल लगने हैं, चाहे वो मतदान केंद्र पे हो या पुलिस पर्सनल हो जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनका जो सूची बनाना, इसके अलावा जो दल गठित करना, उनकी तैयारी हम लोग पूरी मुस्तैदी से शुरू कर दिए हैं और हम लोग कमिटेड हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएं। धन्यवाद। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर 2024 से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर 2024 को होगी। नाम निर्देशन पत्र
30 अक्टूबर 2024 तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 13 नवंबर 2024 को एवं मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है। 156 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 254,647 है। महिला मतदाता 121,009, पुरुष मतदाता 133,554, थर्ड जेंडर मतदाता 2 सर्विस मतदाताओं की संख्या 103 है। 56 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 276,397 है। महिला मतदाता 133,280, पुरुष मतदाता 143,111, थर्ड जेंडर मतदाता 6 सर्विस मतदाताओं की संख्या 194 है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। जाहिर है विजयपुर और बुधनी उपचुनाव मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। कांग्रेस से भी दोनों सीटों पर दावेदारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने दोनों सीटों पर मोर्चा संभाल लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों के इंतजार कर रही है। कांग्रेस दोनों सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।